गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन लास्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. टुडे वी विल बी स्टडीइंग अबाउट पोस्ट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस. राइट, कि ह्यूमन में पोस्ट रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद क्या होगा. ठीक है, तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूँ. फर्टिलाइजेशन हमारी प्रोसेस थी जिसमें हमारा क्या होता है, मेल गैमेट हमारा किसके साथ फ्यूज होता है, फीमेल गैमेट. ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, तो मेल गैमेट हमारा क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट एग. ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन. और ये फर्टिलाइज हो गया हमारा क्या बनता है, जाइगोट. ठीक है, अब जाइगोट को डेवलप हो गया हमारा क्या बनता है, एम्ब्रायो. एम्ब्रायो से फ्यूटस और लास्ट में बेबी, है ना. तो ये हमारे प्रोसेस होगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन. जो जायगोट बनाया है, जायगोट के अकरेंस की जगह मेल और फीमेल गैमेट कहाँ पे मिलते हैं, कहा था मैंने, हमारे मिलते हैं कहाँ, फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब में एक पर्टिकुलर जगह थी हमारी कहाँ पे, एम्प्यूला रीजन. ठीक है, तो एम्प्यूला रीजन पे या फिर एम्प्यूला और हमारे का स्टमस के जंक्शन पे हमारा क्या होता है, जायगोट बनता है. ठीक है, तो ये एन प्लस एन हमारा क्या, टू है, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कितना है, एन, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर एन और यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर टू है, यानी कि 23 क्रोमोसोम हमारे किससे गए, फादर से गए, 23 क्रोमोसोम मदर से गए, और बेबी भी जो होगा उसमें क्या होंगे, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि 46 क्रोमोसोम होंगे, है ना. तो इसीलिए हमारा क्या, जहाँ पे हमारा क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है उसे हम सिंगल एन से डिनोट करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, कहा था हैप्लॉइड, हाफ से बना हैप्लॉइड. ठीक है, और जहाँ पे हमारा ये 2n हो गया है इसे हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड. ठीक है, तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड आप लोग याद रखिएगा. ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारी क्या है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है. ठीक है, तो हमारा जायगोट का फॉर्मेशन हो गया. अब जायगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रायो. तो ये जो टाइम होता है जायगोट से एम्ब्रायो बनने का, ये नियर अबाउट 72 आवर्स का टाइम होता है. ठीक है, तो एम्ब्रायो का एक बार जैसे ही डेवलपमेंट हो गया, एम्ब्रायो हमारे अलग अलग स्टेजेस में आती है, ब्लास्टुला, मोलुला, टोलुला, ब्लास्टुला, ये अलग अलग स्टेजेस है. तो अभी हमारा कहाँ पे था, एम्प्यूला रीजन में. अब ये मूव कर जाएगा कहाँ पे, यूट्रस, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वॉक, मदर्स वॉक. तो मदर्स की वॉक में हमारा क्या हो गया, एम्ब्रायो जाएगा. एक बार एम्ब्रायो पे पहुंच गया तो अब हमारा क्या होना है, स्टेप टू, इम्प्लांटेशन, यानी कि वॉक में ये पर्टिकुलर एम्ब्रायो को टिकना है, यानी कि वहां पे होल्ड कर. ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या होगा, एम्ब्रायो पे हमारा प्लेसेंटेशन होगा, यानी कि कॉर्ड का डेवलपमेंट होगा, जो कॉर्ड क्या करेगी, हमारा एम्ब्रायो को होल्ड करेगी, प्लस वॉर्म के अंदर सारा का सारा नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी. तो वो हमारा किसके हेल्प से होगा, विद हेल्प ऑफ प्लेसेंटा. ठीक है, तो ये हमारा क्या, सबसे पहले इम्प्लांटेशन होगा, ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्टेक्ट में आएंगे एम्ब्रायो के साथ. अब हमारा क्या होगा, प्लेसेंटेशन हो गया तो अब हमारा क्या, नरिशमेंट मिलना शुरू होगा. तो ऑल टोटल ग्रो होने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड चाहिए. तो जो टाइम पीरियड जिसमें हमारा क्या ग्रोथ होती है एम्ब्रायो से बेबी बनने तक की, इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड. तो ह्यूमंस के केस में गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 9 मंथ्स. ठीक है, तो गेस्टेशन पीरियड द पीरियड एट विच एम्ब्रायो डेवलप इनटू बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड.
ठीक है। और 9 मंथ का टाइम कंप्लीट होते ही नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, बर्थ ऑफ चाइल्ड। तो हमारा क्या हो जाएगा, बर्थ ऑफ चाइल्ड। तो ये हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस है किसकी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, किसमें, ह्यूमंस। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते। ठीक है, तो वो हमारा क्या था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हाउ टू कैसे हमारा क्या होता है बर्थ होता है चाइल्ड। इसके अलावा एक फिनोमिना जो हमें यहाँ पर पढ़ना है उसे हम क्या कहते हैं, ओवल्यूशन। ओवल्यूशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ एग इज कॉल्ड ओवल्यूशन, यानी कि ओवरी से जब एग रिलीज होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओवल्यूशन। तो ओवल्यूशन हमारा क्या होता है, ओवल्यूशन के लिए हमारी क्या होती है, पर्टिकुलर प्रोसेस फीमेल्स में होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी वैसे चार फेजेस में होती है। ठीक है, तो इन चार फेजेस में होती है, तो पहला का टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग में देखता हूँ, 1 to 5 days, देन 5 to 14 days, सॉरी 13 days, देन 14th day, एंड देन 14 to 28 days। ठीक है, तो ये जो पहला टाइम है इसको हम कहते हैं मेंसेस या मेंसेस पीरियड। ठीक है, तो दिस इज द टाइम वेयर द एंडोमेट्रियम गेट्स रप्चर, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेंसेस पीरियड। और ये कंटिन्यू हमारी चलती है कब तक, 14 डे तक। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या होता है, ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फेज, मेंसेस फेज जिसको हम मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं। ठीक है, तो इस मेंस्ट्रुअल फेज के हमारे जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, क्रैप्स है ना, मूड स्विंग्स, उसके अलावा हमारा क्या एंजाइटी होती है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या मेंस्ट्रुअल फेज है जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, वॉल का डिग्रेडेशन। ठीक है, फिर सेकंड फेज जो हमारा आता है इसको हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज। एग्स जो डेवलप होती हैं उनके लिए टर्म यूज होता है फॉलिकल। ठीक है, तो जो फॉलिकल्स हैं इनका काम क्या होता है, एग्स का डेवलपमेंट करने वाली सेल्स हमारी फॉलिकल सेल्स। ठीक है, तो हमारा एक बार हमारा क्या हुआ, फर्स्ट फेज हो गया, अब हमारा क्या होगा, दोबारा से एग का फॉर्मेशन बॉडी में हो जाए, तो उसके लिए हमारी क्या होती है, कुछ सेल्स बनती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर सेल्स। तो इन फॉलिकुलर सेल्स के डेवलपमेंट के पीरियड को हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज। तो ये हमारा क्या जो मंथ है, मंथ के फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे कब तक चलते हैं, जब तक हमारा ओव्यूलेशन नहीं होता। ठीक है, तो थर्ड फेज हमारे क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन हमारा थर्ड फेज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे हमारा क्या होगा, एग का रिलीज होगा। ठीक है, एक बार एग का रिलीज हो गया, अब हमारा फोर्थ फेज होता है लूटियल फेज, लूटियल फेज। इस लूटियल फेज में क्या होगा, दोबारा से बॉडी में एक बार जैसे ही एग बन गया तो अब बॉडी ने क्या करना है, उस एग को डेवलप करने के लिए हार्मोन्स का रिलीज करना है। तो बॉडी में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल हमारा मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक फेज आता है जिसको हम क्या कहते हैं, लूटियल फेज। और इस फेज के एंड में हमारा क्या होगा, दोबारा से फिर हमारा प्रोसेस इधर पहुँच जाएगा। तो यही चीज़ हमारी क्या होगी, मंथली बेसिस पे रिपीट होगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है, इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो टर्म यूज होते हैं, मेनार्क एंड मेनोपॉज। मेनार्क हम इसलिए यूज करते हैं मेनार्क टर्म, मेनार्क जब हमारा क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेनार्क। यानी कि अगर एक गर्ल में हमारा जो टाइम पीरियड, जो एज है, जिस एज में उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, उस पीरियड को हम क्या कहेंगे, मेनार्क। और एक ऐसी पर्टिकुलर एज जिसके बाद हमारा क्या होता है,
जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो पॉज हो जाती है या रुक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज। तो मेनार्क की एज नियरली हमारी कितनी होती है, 9 to 12 years अप्रॉक्स, आप अप डाउन हो सकता है। और मेनोपॉज हमारा कितना होता है, 50 to 55 years। ठीक है, तो ये चीजें हमने इसमें याद रखनी है। बाकी अब इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक हमारा बचता है STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीजेस, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।